जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 44 और 45। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामान्य काल का 29वां रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का सुसमाचार में प्रभु हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। हमें अपने जीवन में किस प्रकार विनम्र बनना है, किस प्रकार दूसरों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है, ये बात इसलिए आती है। आज के सुसमाचार में आप लोग सुनेंगे, याकूब और योहन जो जबेदी के दो पुत्र थे, दोनों भाई थे, ये प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु अर हमें ये आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में आपके दाएं और बाएं बैठने का कृपा हमें प्रदान कीजिए, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। प्रभु उनकी वो इच्छा है जानते हैं, वो सोचते हैं, शायद जबेदी के दोनों पुत्र सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह इस संसार का राज्य को बनाने आए हैं, एक राजनीतिक नेता है, और राजनीतिक नेता होने के नाते अगल बगल में मंत्री लोग जरूर होंगे उनके साथ, इसलिए प्रभु उनकी समक्ष सच्चाई को रखते हैं, प्रभु उन्हें समझाने के लिए कोशिश करते हैं, उनका कार्य संसार में क्या है, वो वाकई में कौन है, इसलिए उनसे प्रश्न पूछते हैं। जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो। वे तुरंत कहते हैं बिना सोचते हुए, हाँ हम ये कर सकते हैं, प्याला बपतिस्मा दोनों हम ले सकते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, प्रभु कौन से प्याला के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, कौन सी बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु उनके दुख के बारे में, उनके जो पीड़ाएं उनके बारे में, जो उन्हें मृत्यु क्रूस पर सहना है उनके बारे में, और उसके द्वारा दूसरों को नया जीवन देना है उसके बारे में उनको पूछते हैं। शायद ये दोनों भाई जिबेदी के पुत्र इसके बारे में जानते थे। प्रिय भाई तो बहनों, जो कुछ पाने के लिए हम तैयार रहते हैं, जब उस चीज के पाने के लिए जो हम अपना कदम रखते हैं, मेहनत करने लगते हैं, तब पता चलता है वाकई में क्या वो चीज मेरी है, वाकई में वो मेरा हो जाएगा। परिश्रम कठिन जरूर है, लेकिन किस सोच से हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे अंदर है। ये दोनों भाई शायद अन्य शिष्यों से अपने आप को बड़ा मानते थे, आगे होना चाहते थे, सब कुछ प्रभु उनको बतलाएं और वो दूसरों को बताना चाहते थे। ये शायद हमारे समाज में भी होता है, हमारे परिवार में भी होता है, हमारे जो दफ्तर में होता है, हम दफ्तर के अधिकारियों के साथ थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करते हैं ताकि वो हमें माने, हमें ऊपर रखें, उठा के रखें, और दूसरे लोग हमसे पूछें और हम हमारे द्वारा ही अधिकारियों के पास जाएं। ये चीज होती रहती है, लेकिन हमें ये पता करना है प्रिय भाई बहनों, प्रभु क्या चाहते हैं हमसे। और अंत प्रभु में आज का सुसमाचार में अंत में कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूं। और ये उदाहरण स्वयं प्रभु ने अपने जीवन में लोगों के सामने करके दिखाया, किस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों का, अपने चेलों का पैर धोया, एक नमूना उन्होंने अपने सामने रखा। प्रिय भाई तथा बहनों, हम संसार में कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, संसार में सब कुछ मेरे पास हो सके, लेकिन यदि हम अपने आप को विनम्र नहीं बनाते हैं, नगण्य नहीं बनाते हैं प्रभु के सामने,
हम शून्य है। आज यही कृपा में आपको और आपको पूछना है, प्रभु आपके सामने मुझे विनम्र बनाइएगा, मुझे आपके सामने नगण्य बना दीजिएगा, ताकि आपकी कृपाओं से, आपकी शांति से, आपके तसल्ली से, आपके मोहब्बत से मेरा जीवन भर जाए और मैं आपके तरीके से जीवन बिताऊं, ना कि मेरे तरीके से। प्रिय भाई बहनों, क्रिस्तीय जीवन सरल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम उस प्रभु पर विश्वास रखते हुए इब्राहिम के समान जीवन बिताएंगे, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है और प्रभु हमारे साथ चलते हैं। आइए आज के इस बलिदान में एक ही कृपा मांगे, वह है विनम्रता। विनम्रता का वरदान मांगे। यदि हम विनम्र बनेंगे प्रिय भाई बहनों, उतने महान ईश्वर हमें बनाएंगे। आमीन।